नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम गुटखे की बात कर रहे हैं। क्या है गुटखा? दोस्तों, गुटखा एक जहर है। एक गुटखा तैयार कैसे करते हैं? इसमें तम्बाकू है, सुपारी है, कत्था है, नीम है, लौंग है, इलायची है। दोस्तों, आपको शायद मालूम नहीं होगा, गुटखा बनाते समय इसमें स्वाद के लिए जहरीले रसायन मिक्स करते हैं। इससे हमारे सेहत को धोखा पहुंचता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, ये ज़्यादा दिन टिकने के लिए और भी कुछ रसायन यूज करते हैं। जब हम गुटखा खाते हैं तब मुंह के अंदर छोटी छोटी खरोचे तैयार होती है, जिससे ये मुंह के अंदर तम्बाकू या गुटखा घुल मिल जाता है। जब किसी आदमी को कभी हार्ट अटैक आता है तब हम डॉक्टर लोग उनको एक गोली देते हैं जो मुंह के अंदर रखते हैं। क्यों? क्योंकि मुंह के अंदर बहुत सारी रक्त वाहिकाएं होती है, जिससे वो गोली खून में घुल मिल जाती है। इसीलिए दोस्तों, खरोचों की वजह से ज़्यादा मात्रा में अंदर जाता है, तम्बाकू जाती है, गुटखा जाता है, उसका निकोटीन जाता है। निकोटीन एक ऐसी बुरी चीज़ है जिससे लोगों को इसकी लत लग जाती है, तलब बन जाती है। दोस्तों, तम्बाकू से क्या क्या होता है? तम्बाकू से दांत अपने कमज़ोर होते हैं, दांत को एक रंग आता है, लाल रंग आता है, वो निकलता नहीं। एक गुटखा तैयार करते समय इसमें जो सुपारी मिक्स करते हैं, वो सुपारी में लाल रंग डाला जाता है और उबाला जाता है। ये लाल रंग बहुत पक्का होता है, आपके दांत गिर जाएंगे लेकिन लाल रंग नहीं जाता। गुटखे की वजह से मुंह पे एक बदबू आती है, जिसके कारण कोई आपके सामने खड़ा नहीं रहता। गुटखा खाने से मुंह के अंदर सफ़ेद दाग आते हैं, लाल दाग आते हैं, काले दाग आते हैं, कई कई बार जख्म होता है, अल्सर्स होते हैं जो बहुत दिन तक हील नहीं पाते, अंदर गांठ आती है। कई कई लोगों में मुंह के अंदर एक खिंचाव आता है और वो मुंह नहीं खोल पाते, इसको सब म्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। दोस्तों, ये दाग आना या अल्सर होना या गांठ आना, ये सब कैंसर के लक्षण हैं। दोस्तों, गुटखे की वजह से मुंह का कैंसर होता है, होठों का कैंसर होता है, जुबान का कैंसर, गाल का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर भी होता है। आपकी अन्न नलिकाएं होती है, उसको भी कैंसर हो सकता है। हार्ट की बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किडनी काम नहीं देती, आपको ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है और आधा शरीर वीक हो सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, गुटखा से शुक्राणु कम हो जाते हैं, आप नपुंसक भी बन सकते हैं। इससे भी बुरी बात क्या हो सकती है दोस्तों, आप थोड़ा सोचो, गुटखा खाने से आपका फायदा क्या है और आपका नुकसान क्या है। फायदे की बाजू में देखो और नुकसान की बाजू में देखो। आप मुझे एक भी व्यक्ति का पता दो जो बोलता है कि गुटखा खाने से मुझे कितना फायदा हुआ, मेरा धंधा 2 गुना 3 गुना 10 गुना बढ़ा, मेरे इतने सारे दोस्त बढ़ गए, इतने सारे अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हो गई, अब मेरी सेहत बहुत बढ़ गई है, मेरी बॉडी बन गई है, सिक्स पैक बन गया है, मेरी बीवी मुझे बहुत पसंद करती है, मेरे बच्चे मुझे चाहते हैं, मेरे बहुत सारे लोग मुझे गुटखा खाने से मुझे पहचानते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं होता कभी। और नुकसान के बारे में सोचोगे तो आपका आर्थिक नुकसान है, आपका सेहत का नुकसान है, आपका काम ठीक तरह से नहीं होता, आप किसी को बता भी नहीं सकते कि हाँ, ये इतनी बड़ी चीज़ है कि मैं गुटखा खाता हूँ। गुटखा से कुछ भी फायदा नहीं होता, गुटखा से होता है तो सिर्फ नुकसान। क्या करना है? तीन स्टेप्स। पहले एक बात मन में लाएगा, क्यों खाते हो आप, किस लिए खाते हो? कोई दोस्त बता रहा है इसलिए, मन को अच्छा लगता है इसलिए, टेंशन है इसलिए, काम में मन नहीं लगता इसलिए, बहुत सारा वक्त आपके पास है इसलिए, नींद नहीं लगती इसलिए, क्या वजह है? गुटखा खाने के लिए कोई दोस्त आपको मजबूर नहीं करता। अगर वो मजबूर कर रहा है, वो समझो वो दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है। दोस्तों, गुटखा आप खाते हो क्योंकि आपके मन में कुछ है, इसलिए गुटखा खाते हो। इस मन को, इस मस्तिष्क को आपको सुधरना है, बनाना है, चेंज करना है। कैसे करते हैं? तीन स्टेप्स क्या है? पहले तो आपके मन में विचार आता है कि मैं गुटखा खाऊं, तम्बाकू खाऊं, और
भावना आपको बोलती है कि खाओ 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 या नहीं खाओ नहीं खाओ नहीं खाओ। देखो अब पहला जो विचार आया है गुटखा खाने का, उसके बाद ये जो पार्ट है भावना का, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, और इसके बाद आप व्यवहार करते हो गुटखा खाने का। अभी क्या करना है आपको, जब भी ये विचार मन में आएगा तभी वीडियो में जो भी मैंने बताया है वो सुनो कि आपका मुंह खराब होने वाला है, दांत जल्दी निकलने वाले हैं, आपको कैंसर होने वाला है। आप कैंसर के लोगों का हाल देखो दोस्तों, इतनी सारी दवा लेने से भी वो कैंसर ठीक नहीं होता। इसलिए दोस्तों जब भी आपके मन में विचार आएगा तब सोचो, आपके बीवी का सोचो, आपके घर का सोचो, आपके बच्चों का सोचो, आप जो काम कर रहे हो, आप जो व्यवसाय कर रहे हो, आप जो धंधा कर रहे हो, आप जिस ऑफिस में हो, आप कुछ पढ़ रहे हो, तो इस पर बुरा असर पड़ता है। दोस्तों आप गुटखा खा रहे हो तो वो कम करो, आपके दांत धीरे धीरे सफ़ेद हो जाएंगे, आपके मुंह को बदबू नहीं आएगा, और आपको कैंसर होने की जो संभावना है वो कम होगी। सब बीमारियां भाग जाती है तंबाकू छोड़ने से, गुटखा छोड़ने से। दोस्तों तीन स्टेप में पहला विचार आ गया गुटखा खाओ या न खाओ, तो ये सब जो लिस्ट है वो मन में लाओ, और तीसरा जो व्यवहार नाम का स्टेप है वो व्यवहार करने के पहले गुटखा मुंह के अंदर डालने के पहले सोचो, नहीं खाना है मुझे, नहीं खाना है। 100 बार सोचो इसमें ज़्यादा फायदा है या इसमें ज़्यादा नुकसान है। ये नुकसान ही नुकसान है दोस्तों। और आज 31 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे है, आप फिर एक बार सोचो, आपने गुटखा छोड़ा तो मेरा कुछ फायदा, आपने गुटखा छोड़ा तो आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनका कुछ फायदा नहीं, आपने गुटखा छोड़ा तो सिर्फ आपका फायदा है, सिर्फ आपकी भलाई है, आपको बहुत सारा अच्छा जीवन बिताने को मिलेगा, अस्पताल में भर्ती नहीं हो जाओगे, आपके शरीर का हाल अच्छा रहेगा, मन का हाल अच्छा रहेगा, आपके पैसे बच जाएंगे, आपके बच्चे आपसे प्यार करेंगे, आपकी बीवी आपसे प्यार करेगी, और आपका परिवार जो है वो हंसता खिलता रहेगा। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, छोड़ो तंबाकू, छोड़ो गुटखा।